फिर से आपको हिंडोली ले चलते हैं। वहां पर मन से कई सौगातें आज प्रदेशवासियों को मिली है, तो वहीं आपको बता दें इस वक्त सीपी जोशी सभी को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक जी चांदना, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक अशोक चांदना जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भीलवाड़ा का सांसद रहा और सांसद के नाते मुझे हिंडोली के निवासियों से भी वोट मांगने का अवसर मिला, और लंबे समय बाद मैं हिंडोली के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मिलने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया, और आज अशोक जी चांदना जी ने एक अच्छे अवसर पर मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उसके संबंध में अभी जो माननीय अशोक जी चांदना ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो शिलान्यास कराए, उद्घाटन करवाए, वो इस बात के प्रतीक हैं कि किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होता है और जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सरकार में वो सब चीजें उपलब्ध करा सकता है जो जनता उनसे अपेक्षित की जाती है। उस मापदंड के आधार पर मैं एक विधानसभा का अध्यक्ष न होने के नाते ये कहना चाहता हूं, संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव एक अच्छे चुनाव का होना बहुत बड़ा आवश्यक कदम होता है जो जनता को इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा हो। यदि प्रतिनिधि ठीक ढंग से अपनी बात को कह सके तो उस क्षेत्र का विकास भी होता है और जो प्रतिनिधि है उसकी क्षमता भी आगे बढ़ती है और लोगों को मालूम पड़ता है कि इस क्षेत्र का विधायक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो मुझे आज कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक विधायक के रूप में जो मापदंड है, एक मंत्री के रूप में जो मापदंड है, उन मापदंडों को अशोक चांदना जी ने जो प्राप्त किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार की उपलब्धियों के संबंध में मंत्रीगणों ने अपनी बात कही, मैं तो अपनी जनता को कहना चाहता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सामान्य नागरिकों को समझने की आवश्यकता है कि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया क्यों, क्यों इस देश की आजादी में लड़े लड़ने वाले भागों के लोगों ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जिस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने मत देकर अपनी देश की और प्रदेश की सरकार बनाएंगे, जिनसे उनसे अपेक्षा की जाए वो जन समस्याओं का निराकरण करे। और संसदीय लोकतंत्र में यदि चुनी हुई सरकारें और चुने हुए प्रतिनिधि अपने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रख सकते हैं, यदि उन निष्ठा के आधार पर अपने क्षेत्र की विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है।